मिथिलांचल की प्रसिद्ध मधुश्रावणी पूजा में अग्नि परीक्षा से गुजरती हैं महिलाएं। टेमी के दागने के पीछे के राज को जानिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। मधुश्रावणी फेस्टिवल 2024 मिथिलांचल का प्रसिद्ध मधुश्रावणी पूजा नाग पंचमी के दिन से चल रहा है। 14 दिनों तक चलने वाले इस पूजा को लेकर नवविवाहितों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या होता है टेमी दागना, जिसको लेकर कई मान्यताएं हैं। मिथिला का इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा, रीति रिवाज और जीवन शैली के लिए जाना जाता है। मिथिला की नवविवाहिता शादी के बाद मधुश्रावणी करती हैं। मधुश्रावणी बिहार के मिथिलांचल का प्रसिद्ध त्यौहार है। मिथिलांचल में ब्राह्मण, कर्ण, कैस्त, स्वर्णकार में ये त्यौहार मनाया जाता है। मधुश्रावणी का पर्व मिथिलांचल के उन परिवारों में मनाया जाता है जिनके परिवार में बेटी की शादी हुई होती है। ये त्यौहार नवविवाहित मनाती हैं जिसकी शादी के एक साल पूरे नहीं हुए रहते हैं। नवविवाहिता पूरे 14 दिनों तक नियम निष्ठा के साथ ये पर्व करती हैं। मिथिलांचल में नवविवाहिता की अग्नि परीक्षा। मधुश्रावणी पर्व के अंतिम दिन नवविवाहित महिलाओं को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। टेमी दागने के दौरान नवविवाहिता के घुटने पर पान का पत्ता रखा जाता है। जहां पर टेमी दागा जाता है वहां पान के पत्ते में छेद कर दिया जाता है। उसी जगह पर जलती हुई बत्ती से दागा जाता है। इस दौरान पति पान के पत्ते से अपनी पत्नी की आंखें बंद करता है और फिर जाकर टेमी दागने की प्रक्रिया खत्म होती है। टेमी दागने की परंपरा का कारण, महिलाओं को जलती टेमी से दागने को लेकर अनेक लोग अनेक तरह का तर्क देते हैं। मिथिलांचल में इसको लेकर एक मान्यता है कि ऐसा करने से पैरों और घुटनों पर जो फोड़े फफोले आते हैं वो पति और पत्नी के बीच की प्रेम को दर्शाता है। इसको लेकर कहा जाता है कि जितना बड़ा फफोले का आकार होता है उतना ही ज़्यादा पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। परंपरा में सुधार लाने की जरूरत। टेमी दागने की परंपरागत सदियों से चली आ रही है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में इसको लेकर कुछ महिलाएं सवाल भी खड़ा कर रही हैं। जिस परंपरा से किसी को तकलीफ हो वैसी परंपरा में सुधार लाने की जरूरत है। अब इसे मात्र सिंबॉलिक रूप में करना चाहिए। टेमी दागने की परंपरा पति की लंबी आयु को लेकर की जाती है, इसीलिए ये परंपरा बरकरार रहना चाहिए। अब दो तरह से टेमी डालने की परंपरा चली आ रही है। पहले तो आग से निशान बनाने की परंपरा होती थी, फिर दूसरी शरीर पर कई जगहों पर चंदन लगाकर इसे संपन्न किया जाता है। जो नवविवाहित महिला गर्भवती होती है उन्हें इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। अग्नि परीक्षा की धार्मिक मान्यताएं। मधुश्रावणी के दिन टेमी दागने के पीछे बहुत ही गहरी मान्यता है। मधुश्रावणी का पर्व नाग पंचमी के दिन शुरू होता है। इसमें भगवान शंकर, माता पार्वती और नाग की पूजा होती है। टेमी को नाग का प्रतीक माना जाता है। नवविवाहिता के घुटनों एवं पैर पर जलते हुए टेमी से एक चिन्ह बनाने की परंपरा है। ये चिन्ह इसलिए बनाया जाता है ताकि नवविवाहिता के दांपत्य जीवन में किसी भी तरीके से मुसीबत ना आए। नाग देवता से नवविवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। माना जाता है कि जिनके पैर में ये चिन्ह बन जाता है उनके पति को कभी सर्प दोष से अकाल मृत्यु नहीं होती है। मधुश्रावणी का विधि विधान। मिथिलांचल में मधुश्रावणी त्यौहार का इतिहास सदियों पुराना है। मान्यता है कि नवविवाहित महिलाओं को उनके विवाहित जीवन में सहज बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नवविवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार में दुल्हन के कपड़े पहनती हैं, अपने आसपास के घरों में लगे फूलों और पेड़ों के पत्ते इकट्ठा करती हैं और उन्हें बाँस की बनी टोकरी, जिसे मिथिला में डाली कहा जाता है, में रखती हैं। शाम के समय में उस गांव की सभी नवविवाहित लड़कियां एक जगह इकट्ठा होकर इन फूलों से अपनी डाली को सजाती हैं। माता पार्वती से जुड़ी कहानियां सुनती इस सजी हुई डाली के
फूलों से अगले दिन भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता की पूजा करती हैं। इस पूजा को संपन्न करने के लिए परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला, जिसे बिधकरी कहा जाता है, वे 14 दिनों तक प्रतिदिन भगवान शिव एवं माता पार्वती से जुड़ी कहानियां सुनाती हैं। 14 दिनों के अनुष्ठान में महिला पंडित मधुश्रावणी पर्व में नवविवाहित महिला अपने पति के लंबी उम्र के लिए भगवान महादेव, माता पार्वती और विषहरा की पूजा करती हैं। 14 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में मधुश्रावणी का व्रत कथा सुनाया जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कर्म कांड में पुरुषों का बोलबाला है, लेकिन मिथिलांचल में मधुश्रावणी पर्व में पंडित की भूमिका महिला निभाती है। 14 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में पहले दिन मौना पंचमी कथा का वर्णन सुनाया जाता है, महादेव की पारिवारिक कथा सुनाई जाती है। दूसरे दिन की कथा में बिहुला एवं मनसा का कथा है, बिसहरा का कथा एवं मंगला गौरी का कथा सुनाया जाता है। तीसरे दिन की कथा में पृथ्वी का जन्म एवं समुद्र मंथन का कथा सुनाया जाता है। चौथे दिन की कथा में माता सीता की कथा सुनाई जाती है। पांचवें दिन के कथा में महादेव की पारिवारिक कथा सुनाई जाती है। छठे दिन की कथा में गंगा का कथा, गौरी का जन्म एवं काम दहन की कथा सुनाई जाती है, गौरी के विवाह की कथा सुनाई जाती है। सातवें दिन की कथा माता गौरी की तपस्या की कथा सुनाई जाती है। आठवें दिन की कथा में गौरी के विवाह की कथा सुनाई जाती है। नौवें दिन की कथा में मैना का मोह एवं गौरी के विवाह कथा सुनाई जाती है। दसवें दिन की कथा में कार्तिक एवं गणेश भगवान के जन्म की कथा सुनाई जाती है। ग्यारहवें दिन की कथा, ग्यारहवें दिन संध्या के विवाह की कथा सुनाई जाती है। बारहवें दिन बाल बसंत एवं गो सावन का कथा सुनाया जाता है और तेरहवें दिन श्रीकर राजा के कथा को सुनाया जाता है। माता पार्वती ने की थी व्रत की शुरुआत। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने सर्वप्रथम मधुश्रावणी व्रत रखी थी। जन्म जन्मांतर तक शिव को अपने पति के रूप में रखने के लिए इस पर्व में शिव पार्वती की कथा आज भी सुनाई जाती है। पूरे मिथिलांचल में हर एक गांव में, मंदिरों पर एवं शिवालयों में गांव की नवविवाहित एक जगह इकट्ठा होकर भगवान महादेव, माता पार्वती को खुश करने के लिए, अपना दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनाने के लिए ये पर्व मनाती हैं। मधुश्रावणी का टेमी जो है वो कब है? 7 अगस्त को है और ये शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही टेमी का विध होता है, तो ये 7 अगस्त को ही है और इस दिन ही मधुश्रावणी का समापन हो जाएगा, जो 15 दिनों तक चलने वाला ये पर्व है। इसकी शुरुआत जो होती है वो पंचमी को होती है और इसका जो समापन होता है वो तृतीया को होती है। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये मधुश्रावणी अग्नि परीक्षा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।